तिजोरी नंदिनी का दोस्तों इतना बड़ा पोटली है, सब सोना कहाँ से लाए थे दोस्तों ये भी हम आपको बताएंगे सर। सोना तो तुम ही एक खरा सोना है। कपूर ब्लॉग में स्वागत है। मैं आशीष, तो आज ब्लॉग में कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज नंदिनी दिखाने वाली है अपना गोल्ड कलेक्शन। तो चले स्टार्ट। बहुत सारे गोल्ड रखी है नंदिनी तिजोरी में बंद करके दोस्तों, आज दिखाएगी नंदिनी, तो जरूर देखिएगा। आज पूरा ब्लॉग को वॉच कीजिएगा दोस्तों, आपको पता चलेगा नंदिनी के पास कितने सोने हैं, कहाँ से आया, कैसे आया, कैसे आया सारे सोने किधर से आया, सब आपको आज हम बताएं। अब भूल जी हल्ला कर रहे दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते और एक ऐप दोस्तों, तो चलिए नंदिनी, तो नंदिनी दिखाएगी अपना गोल्ड कलेक्शन। दिखाएगी गोल्ड कलेक्शन, गोल्ड कलेक्शन नहीं दिखाएगी, गोल्ड कलेक्शन बोलते हैं। आज कुछ कुछ क्या दिखाएगी नंदिनी? गोल्ड अरे गोल्ड कलेक्शन बोलते कलेक्शन। चलिए निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी नंदिनी निकालेगी अपना तिजोरी में लॉक करके रखती है, अंदर में बंद करे रखती है दोस्तों। अब तिजोरी को आप अच्छा इसमें मम्मी पोको पेंट में रखती है। और बाप देखिए तिजोरी नंदिनी का दोस्तों इतना बड़ा पोटली है। चलो बेटा दिखाते, चलिए चलिए दोस्तों देखते हैं नंदिनी का क्या क्या है उसके गोल्ड कलेक्शन में। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिए दोस्तों, और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा ना गुल्लू। चलिए दोस्तों ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं नंदिनी को। अब नंदिनी क्या कर रहे तुम? गुल्लू भी पूरा खुश है दोस्तों, मम्मा का गोल्ड कलेक्शन देखेगा ना बेटा। तेरे को भी ला देंगे गोल्ड, इसके लिए भी एक गोल्ड ला देंगे, गोल्ड ला दूंगी इसके लिए, बजरंग बोली बना देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब मम्मा का गोल्ड कलेक्शन देखेंगे। चलिए दोस्तों नंदिनी अपना गोल्ड कलेक्शन दिखाएगी। चलो यह देखिए, वाह क्या नंदिनी का क्या है भाई गोल्ड कलेक्शन में, देखिए नंदिनी का क्या है इसमें, वाह वेरी नाइस। क्या है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, टूट जाएगा क्या ये, इतना पतला दिख रहा है। देखिए दोस्तों कैसा है नंदिनी का ये गोल्ड, ये मन टीका, मन टीका है दोस्तों, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये भी सोने के हैं है ना, होगा 8-9 हजार का रेट भी पता है नंदिनी को। एक तो हो गया ये मन टीका हो गया दोस्तों नंदिनी का, और ये जो मंगलसूत्र पहने हैं वो भी गोल्ड, ये भी गोल्ड का ही है, वो भी छोटा से देख सकते हैं आप लोग, जो हमेशा हम पहने रहते हैं, इसका पूरा मोती उती सब चेंज करवाए हैं। हाँ, दो हो गया नंदिनी का गोल्ड, और एक गोल्ड और ये क्या है देखिए, देखिए ये ढोलना है, ये बिहारी में तो जानते हैं ढोलना, बिहारी में तार सामने दिखा तुम्हें दिखेगा, इसका मोती पूरा टूट गया है, इसलिए नहीं पहनती, इसलिए नहीं पहनते, इसको गुथवाएंगे तो पहनेंगे तो आप देखिएगा। ये देखिए ये भी ज्यादा कर नहीं ढोलना है, और अंदर में खखा हुआ है, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं है, अंदर में खाक बहुत महंगा है। तो ये पूरा देख सकते है, ये हो गया दो, हमारा तीन हो गए ना, एक दो तीन, इसमें भी देखिए सब, देखिए आप सोचते हो सब खा हुआ है, सब खाली है, ऐसे है और बाकी खाली है, और ये भी यही है देख सकते हैं, देखिए सब खाली वाला सोना है, सस्ता सस्ता सोना पहनती है। आप एक भी खरीद के दिए है क्या? हम तो नहीं दिए दोस्तों अभी तक, एक भी खरीद के देंगे तुमको, जरूर देंगे। और ये सब था मतलब चांदी का पीछे जो काला हो गया, हम पहनते थे बहुत दिन, एक साल तक से पहने तो खराब हो गया, तो हम इसमें रख दिए। जब हम ये चेन लिए थे ना, ये देखिए ये चेन हम इनको गिफ्ट किए थे ना, तब हम एक पीछे में ये भी चांदी का चेन नंदिनी गिफ्ट किया मेरे को नया साल में 1 तारीख को, क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन था, तो गिफ्ट इस साल तो कुछ नहीं दिया, इस साल नहीं दी मेरे को, बहुत अच्छी है। अरे देखिए ये कान का है, गोल्ड का है, देखिए कान का से गोल्ड कलेक्शन नंदिनी का कान का है दोस्तों, बस ज्यादा कुछ तो नहीं है, तीन चार बहुत है इसके पास, बहुत मेरे पास, एक एक करके बढ़ते जाए दोस्तों, यहाँ रख दे, ये दो, ये तीन, तीन हो गए ना दोस्तों, देखिए सजा के रख रही नंदिनी। और ये देखिए इसमें क्या है दिखाते हैं, क्या एक दो तीन चार, मेरा बचपन का स्कूल का फोटो, स्कूल जब पढ़ते थे तब, इसमें तो गोरा है दोस्तों, मेरा को चूना लगाया है लोगों,
इसमें गोरा है, देखिए इसमें मेरे चांदी का पायल है जो हम पहनते थे। अभी इसका कुछ कुछ लड़ी टूट चुका है, देखिए इसलिए हम रख दिया है कि जो हमारे पास है सोना शादी पार्टी फंक्शन में पहनने के लिए। हम बोले बच्चा खाने का नहीं है, नहीं बेटा खाने का नहीं है, तो खेलने दिए तो खाने लगा। तो देखिए यही हमारा पायल है जो ज्यादा नहीं है, देखो पायल खरीद के देंगे दोस्तों, जो नंदी घर में पहनेगा ना तो चलेगी तो बचेगा, ऐसा पायल खरीदेंगे तेरे लिए, तुम चलेगी ना रोड में, हल्का भी पैर रखेगी। देखिए ये तो नया है कमर को, हाँ नया है, एक बार भी कुछ पहने ही नहीं इसको, जैसे का जैसे ही बचता है खूब लगा हुआ, एक नंबर। एक कमर खुशनी है साड़ी पे, कभी तो पहनती नहीं है, साड़ी पे लगा के पहनने का ये वाला, ऐसा पायल ला के देंगे। ये भी मेरे को गिफ्ट में मिला था, और देखो तो गिफ्ट करेगा पायल से घुंगरू रहेगा पूरा, खाली पैर रखेंगे छन छन आवाज करेगा और देखेंगे ये क्या है, दुल्हन पायल, दुनिया दुल्हन पायल, दुल्हन पायल नहीं ये बिछिया है। अच्छा दुल्हन बिछिया, तीन गो उंगली में घुसाने वाला है दोस्तों, ये जो हम पहनते नहीं है सब ऐसे रखा हुआ करीब, तो बेच दो, रख के क्या कर रही है, क्यों बेचेंगे, इतना मुसीबत में बेचे नहीं, और अभी हम बेचना भी नहीं चाहते, जब उनका स्थिति बहुत खराब था ना तो भी हम नहीं बेचे थे। ये तो नया है, किसी को भी सोचेंगे तो तेरा सोना, हाँ और ये सब सोना कहाँ से लाए थे दोस्तों, ये भी हम आपको बताएंगे सर, ये सब कहाँ कहाँ से लाई है नंदिनी, सब बताएगी आपको। तो हमारे पास सोना केच केट है, देख सकते हैं मेरा तीन के चीज है सोना का, ये तो देखिए इतने सर, ये यही चार चीजें दोस्तों, एक पहनी हुई है, एक ये, एक ये, एक एक चार चीज हमारे पास सोना का, और एक नाक में, नाक में बस, अरे एक तो 10 रुपया वाला है, तो ये मेरे को मन कर रहा है इतना मोटा वाला, हम ला के देंगे तो कैसे ही पतला वाला बस ए, और हम ये सब भी बताएंगे कि मेरे को कब मिला था, कब मिला है तो ये सब ना फ्रेंड, जब मेरा शादी हुआ था ना तब मिला था, तो शादी तो दोस्तों हम बता दे, चोरी नहीं किया, दूसरा शादी मतलब पहला शादी हो गया था, तब मेरे से शादी हुआ, मतलब पहले हम प्यार करते थे, पहले हमसे प्यार करती थी, तो शादी तो हो गया जैसे तैसे, उसके बाद आपको हमारा लव स्टोरी हमारा वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों, लव स्टोरी में जाके तो हम प्लेलिस्ट में देखिएगा तो हमारा लव स्टोरी पूरा दिया हुआ, किस तरह से नंदिनी हमारे पास आई, और वो सब वही दिल्ली शादी हुआ था, कैसे हुआ था नंदिनी जानती है, कहाँ कहाँ से लाई है, शादी हुआ था ना तो वो लड़का तरफ से कोई कुछ नहीं दिया था, मैं झूठ नहीं, हम झूठ नहीं बोला, कुछ चोरी भी हम नहीं किया किसी से, हाँ ये मेरी मम्मी, ए और ये चीज सारा मम्मी दी थी, तो हम बोले अगर जो मेरा शादी नहीं होता, अगर जो मम्मी नहीं करती तो हम ये गोल्ड एकदम नहीं लेते, या मेरा कसम से बोल रहे, जब हमने बोला मेरे साथ इतना कुछ हो गया तो यही हम थोड़ा सा बस इसलिए रहना भी चाहिए पास में, अगर मुसीबत पे काम, मुसीबत पे काम आ भी सकता था, तो ऐसा मुसीबत आया भी था तो भी हमने नहीं बेचा, हम बोले लोग खाने के लिए पैसे भी नहीं थे दोस्तों, लेकिन एक भी चीज बेचने नहीं दिया, एक भी बेचने नहीं दिया, बोलते कि नहीं बेचना चाहिए, हम बोले नहीं बेचो, ये भी बोलते नहीं बेचना, जो चीज बन जाता है घर वाला बोलता है कि बेच दिया, सोचे थे मगर हम लोग इतना हम को पता है कि सोना का महत्वपूर्ण क्या होता है, एक बार बन जाता दोबारा नहीं बनता, और हम चोरी नहीं करते, हमने चोरी भी नहीं की है, जो था तेरा बेग, जो हमको शादी की, हम जो था चोरी बेग, और मेरे साथ शादी हुआ था, जो मेरे को मिला इसलिए हम लिया, जब मेरे को गुस्सा आया तब ने, तो वरना हम एक चीज भी नहीं लेते, एक तो रहता है ना कि सोना के लिए, हम सोना के लिए भी ये नहीं है, हमको नहीं चाहिए, बस जो मेरा बीत गया था, तो हमने बोला सब कुछ हो ही चुका तो इसको ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, तो बस वही हमने इसमें से कुछ नहीं खरीदा, अब आज तक अभी एगो हम कुछ नहीं, बस हम एक चीज खरीदे हैं, वो मेरे लिए खरीदे, इनको दिए हैं, और हम अपने लिए कुछ भी शादी हम खरीदेंगे तो इसको देंगे, टेंशन ले लो, अभी शादी मतलब हो चुका है, मतलब शादी होने के बाद इनसे ना हम एक चीज अभी तक को मेरे को खरीद के दिए है, हम कभी बोले भी नहीं है क्यों, अरे सोना कि हमारा स्थिति इतना अच्छा नहीं है, और हम इनसे जो मेरे को घर चलाने देते तो पैसा हम उससे थोड़ा 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 करके इनको यही बस, वो भी इनके लिए बना है, और हम अपने लिए कुछ भी नहीं बना है, अरे हम बना देंगे, ये तो इसको गिफ्ट मिला था, अरे दिए दिए तुमको भी मिलेगा, टेंशन मत, इसको गिफ्ट मिला था, इसको दिए थे, चांदी का पहना हुआ, कोई दिया है इसको ना बेटा, हाँ बेटा जी मेरी फ्रेंड की मम्मी दी है, तो ये सब भी है, तो दोस्तों ये सब किससे आया आपको तो पता चल गया कि हमने कुछ नहीं करी, कहाँ से लाई ये सोना, सब मेरी सब शादी का था, नंदिनी का शादी का था, वो लेके आ गई,
उसका माँ बाप तो बोला भी था दोस्तों कि बेच देगा, एक कर देगा, पर आज तक मेरे पास दो पायल थे, एक भी चीज नहीं बेचे। दो पायल था, एक पायल मम्मी ने मैं चीज बेचा आज तक तेरा कुछ भी, और एक चीज भी नहीं बेचा। और मम्मी ये सोची ना कि सारा चीज बेच दिया होगा, इसलिए हम जो पायल पहले तो मम्मी रख दिए थे, इसलिए किसी को नहीं मिला, इसलिए किसी को नहीं मिला। हम लोग पकड़े भी गए थे ना दोस्तों, ये चीज है ना, ये हम पहनेंगे, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता गला में जो। हाँ तो फिर तुमने सुना मोती दो सोना का लॉकेट दोस्तों, इसके लिए बहुत जरूरी तो है। यही है मेरा फ्रेंड, और कुछ नहीं है मेरा जो रियली है जो हम आपको दिखाए, ज्यादा थोड़ा से बस पहनने लायक है उतना, और हम खाली खाली हल्का हल्का जो एक आध किलो का सोना होगा दोस्तों मजा आ जाता है। पलाई तो लगता 200 ग्राम होगा। अब सोना के लिए मैं सिर्फ प्यार किए थे। अरे भाई जो के कोई चीज काम आ जाए, नहीं तो आप सोने के लिए प्यार किए। सोना तो तुम है ही, एक खरा सोना एक खरा सोना नहीं है दोस्तों, मतलब एकदम डायमंड तो कोहनूर हीरा होता ना होता है दोस्तों, और क्या चीज कोहनूर हीरा है। नहीं बेटा ये कोहनूर हीरा का रास्ता हुआ कौन सा हीरा रे बता दे गुल्लू। डायमंड हीरा है ये पूरा रूबी, बहुत बढ़िया हीरा है, दुनिया का सबसे बेस्ट हीरा है मेरा है। तो फ्रेंड आप लोग तो देख ही लिए मेरा गोल्ड, खूब सारा मस्ती भी हो गया। तो यही था मेरा छोटा से गोल्ड, मेरे पास कुछ नहीं है। चलो हम लोग चलते हैं दोस्तों, और मेरा सपना है अब कि हम तुमको ले देंगे एक छोटा सा झुमका पहने, एक नया बहुत ज्यादा महंगा होता है झुमका दोस्तों। 3 लड़ी वाला नहीं मांगे, सिर्फ एक छोटा सा झुमका जो हम देखे ना उसको पहनते हुए। ठीक है हम कोशिश करेंगे, हम ले देंगे इसको दोस्तों, बस अभी अभी तो नहीं लेंगे, अभी तो पैसा भी नहीं, अभी धीरे धीरे अभी घर का सामान ले रहे हैं, बाबू का पूजा करा रहे हैं, अभी बाबू का सतैसा कराना है ना, बस बाबू का सतैसा सोच रहे हैं कि वो गोल्ड का हो सके तो हम दे देंगे सतैसा, उसको देना एक गोल्ड का बस, उसको 5-6 हजार तक आ जाएगा गुल्लू का, गुल्लू को देना जरूरी है। क्यों पहनेगा गुल्लू, गुल्लू पहनेगा सोना। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग चलते हैं। चले बेटा, तो कैसा लगा हमारा गोल्ड ना जी? हाँ दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा गोल्ड कमेंट में जरूर बताइएगा, और कितना आप लोग तो देख चुके हैं हम कोई चोरी नहीं किया, तो प्लीज हमको कुछ मत बोलिएगा कि हम दोस्तों, क्योंकि कोई भी मुसीबत पे लेके चलता है। आप लोग सोचते होंगे कि इसलिए नंदी के पास से भागी तो बस ऐसा, और हम इसको क्यों भगाएंगे, इतना चांदी सोना के लिए कौन भगाता है, और कौन सा ज्यादा नहीं देखे, ज्यादा नहीं 20-30 हजार का सोना है, फिर भी हम उनके लिए बहुत है। तभी तो था दोस्तों, और अभी भी हमारे पास तो उतना कुछ भी नहीं नंदी को हम दे सके, फिर भी कोशिश करेंगे कि इसको अच्छा से अच्छा कुछ खरीद कर दे। अब देखिए कब आता है अच्छा समय की नंदी को कुछ गिफ्ट मिलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों बाय बाय दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया दोस्तों, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। बाय, चलिए दोस्तों।